वेलकम टू वनस्पति दर्शन और उसके फ़ायदे। आज हम आपको बताने वाले हैं आलू और उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, किन किन बीमारियों से आलू हमें दूर करने में हमारी मदद करता है, किस प्रकार की क्षमता आलू में पाई जाती है। सभी ने इसको देखा होगा क्योंकि ये सब्जियों में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। हर सब्जी में तो नहीं, लेकिन काफ़ी सब्जियों में हम इसको मिलाकर खाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखिए और जानिए कि आलू हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से फ़ायदेमंद है, कौन कौन सी बीमारियों को दूर करने के लिए ये हमारे लिए प्रयोग में आता है। फ्रेंड्स, आजकल पथरी की समस्या हमें नियमित रूप से देखने को मिल रही है। 10 में से 6 इंसान कहते हैं कि हम पथरी से पीड़ित हैं और दवाइयों का इलाज करने पर भी वो पथरी से निजात नहीं पाते। तो फ्रेंड्स, कच्चा आलू एक बहुत ही साधारण सा और सरल सा उपाय है। आप कच्चे आलू को आधा काट करके छोटे 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 पीस करके उसको तवे पर भून लें और फिर उसका सेवन कीजिए। इससे आपकी पथरी जो है वो एकदम से दूर हो जाएगी। चोट लगने पर भी आलू बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आपके शरीर के किसी हिस्से पर चोट लग गई है तो आलू को उस जगह पर आधा आलू एक स्लाइस काट लें आलू की और फिर उस स्लाइस को उस चोट की जगह पर रगड़िए। इससे आपका ब्लड भी बंद हो जाएगा और आपकी चोट जो है वो भी जल्द ही ठीक हो जाएगी। आलू अम्ल पित्त को दूर करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आपको कंटिन्यूसली अम्ल पित्त की शिकायत है तो आप आलू का सेवन कीजिए। ये आपकी अम्ल पित्त की शिकायत को दूर करने में बहुत ही लाभकारी होता है। फ्रेंड्स, आलू की स्लाइस लेकर इसको अपने चेहरे पर अच्छे से स्क्रब कीजिए, रगड़िए। इससे क्या होगा, आपका चेहरा जो है उस पर कालापन हो रहा होगा तो वो दूर हो जाएगा और इसी के साथ ये चेहरे की झुर्रियों को समाप्त करने के लिए भी बहुत ही अच्छा और सरल उपाय है और आसान भी है। ये सबसे प्रथम जिसको मैं आपको बताऊंगी कि आपको पहले नंबर पर इसको यूज़ करना चाहिए, ये झुर्रियाँ दूर करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है एंड 99% इसका रिज़ल्ट है। तो आपको इसको प्रयोग में ज़रूर लाना चाहिए ताकि आप अपनी स्किन की झुर्रियाँ दूर कर सकते हैं और इसी के साथ आप अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं और उसका कालापन भी मिटा सकते हैं। आलू से संबंधित, आलू से जुड़ी जानकारी आपने देख ली हैं। आलू को प्रयोग लाते रहिए और प्रयोग में लाते रहिए तथा इसी तरह की और भी वनस्पतियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को नीचे दिए गए रेड निशान द्वारा सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप और भी वनस्पतियों की जानकारी, उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण उपजगुण जान सकेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा सभी के साथ शेयर भी कीजिए ताकि सभी अपनी बीमारियों को दूर रख सकें और उपजगुण जान सकें, वनस्पतियों की पहचान कर सकें। धन्यवाद।